अभी आप देखिए कंटेनर को पैक कैसे करते हैं, इस तरीके से देखो ये स्टफिंग हो रही है, ये कम्प्लीटली कंटेनर की 20 फीटा कंटेनर की स्टफिंग हो रही है। और ये इस तरीके से इसमें देखिए कैरेट्स जो है इसके अंदर स्टफ कर दी गई है, और बीच में जो है देखो पेटी आपस में ना भिड़े, इनमें गैप है, अभी जो स्टफिंग की है तो इसमें गैप है, ये गैप है, तो पेटी आपस में ना भिड़े इसलिए ये चॉकिंग किया गया है, ये डबल चॉकिंग है, एक कैरेट्स के ऊपर दो वुडन जो है लगाई गई है और इसको बोलते हैं चॉकिंग। तो ये चॉकिंग है और ये गैप आ रहा है, तो ये ऐसे ही जाता है, पर ये चॉकिंग की वजह से पेटी एक दूसरे से भिड़ेगी नहीं और गिरेगा नहीं मटेरियल। तो ये यहाँ पर ये देखिए ये तैयार हो रहा है इस तरीके से, ये पैकिंग है ये चॉकिंग के लिए। अभी अंदर जाते हैं कैरेट्स रखने के बाद और इसको जो है चॉकिंग की जाती है और उसको गिरने से बचाया जाता है। ये तो होता है चॉकिंग। एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं लेसिंग। तो लेसिंग में क्या होता है कि एक पट्टा आता है पूरा, तो उनको इनमें लगा दिया जाता है हुक्स में, यहाँ पर हुक्स है कंटेनर्स में, देखें आप बोरे ऊपर की साइड पर वहाँ पर इन हुक्स में उसको लगाया जाता है, ऐसे स्ट्रिप ऐसे क्रॉस करके जो है स्ट्रिप लगाई जाती है पूरी की पूरी, उसको बोलते हैं लेसिंग। तो कभी कोई मटेरियल आता है जिसमें चॉकिंग नहीं की जा सकती है, जैसे कट्टे वगैरह होते हैं, तो उसमें ये जो वुडन का कहाँ पे लगाया जाए मतलब, तो उसके लिए फिर उसमें लेसिंग की जाती है और ये है चॉकिंग। तो